जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप लोग कैसे IBPS की फॉर्म को अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पास अभी फोन है, आपके पास मोबाइल है, तो दोस्तों आप लोग को सबसे पहले वहाँ क्रोम को खोलना होगा। क्रोम को खोल के वहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड पर जाना होगा दोस्तों। डेस्कटॉप मोड पर जाने के बाद आपको ऑटो रोटेट कर देना है मोबाइल को और लैंडस्केप मोड में ले लेना है मोबाइल को। उसके बाद आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ दोस्तों, आप लोग वहाँ से जाके खोल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फॉर्म को, यदि आपके पास लैपटॉप है दोस्तों तो आप लोग आसानी से इस वेबसाइट को खोल के अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब मोबाइल से भी आप आसानी से इस वेबसाइट को खोल के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फॉर्म को अप्लाई करना सिखाता हूँ मैं आप लोग को दोस्तों। तो देखिए आप लोग को ऐसा इंटरफेस पहले खुलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्म अप्लाइंग डेट है 1/7/2020 से लेके 21/7/2020 से, मतलब आज से लेके 21 तारीख तक आपका ये फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आपको पहले यहाँ पर क्लिक हेयर और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आएगा दोस्तों। हाँ देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, इस तरह का बहुत सारा पॉइंट आपको यहाँ पर आएगा। तो आपको इसको नीचे तक ले जाकर पढ़ लेना है सारे पॉइंट को, क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपको ये कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। अब कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर जैसा फर्स्ट नेम, आपको फर्स्ट नेम लिखना है, फिर उसके बाद कंफर्म योर नेम, ये कंफर्म फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम। तो आपको सारा अपना नाम लिखना है, फिर आपको मोबाइल नंबर देना है, फिर आपको कंफर्म करना है अपना मोबाइल नंबर को, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अल्टरनेट यदि कोई मोबाइल नंबर आपका तो वो दे सकते हैं, फिर ईमेल आईडी आपको देना होगा, फिर उसके बाद कंफर्म करना होगा आपका ईमेल आईडी, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड देना होगा, जो ये कोड है यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों। तो मैं सब कुछ करके मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैंने सब कुछ भर लिया, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सब कुछ आप भर लेंगे इस तरह से, इस तरह से आप सब कुछ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारा कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस खुलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर मैंने सेव, यहाँ पर एक्चुअली कुछ एरर आ गया है, एक मिनट दोस्तों, क्या एरर आया मुझे देखना पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ा नाम में प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों, कोई बात नहीं, चलिए सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको बोला जाएगा इनकी तरफ से कि आप ओके कर दे, आपका ये सारा कुछ यदि सही है तो आप फाइनल सबमिट कर दें इस चीज़ को, तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे दोस्तों। ओके करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा आपका। ये देखिए यहाँ पर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दोस्तों स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट और स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों जैसे ही आप अपना फोटो और सिग्नेचर को सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक आपका डिटेल्स पूछा जाएगा दोस्तों। जैसा कि पहला यहाँ पर कैटेगरी पूछा गया, आप यदि जनरल EWS OBC SC ST हैं तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ देना होगा, या फिर आपका डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना होगा, या फिर नहीं है तो नो करना होगा, यदि है तो आपको टाइप देना होगा यहाँ पर कौन सा टाइप का है दोस्तों, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। मैं एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों क्या क्या आपको यहाँ पर देना होगा। फिर वहाँ यहाँ पर आपको देना होगा डू यू नीड कंपल्सरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यदि आप डिसेबल हैं तभी आपके लिए ये ऑप्शन खुलेगा। आप यदि डिसेबल है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा एग्जामिनेशन में दोस्तों, यदि आप नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप कैलिब्री प्लेसी से सफरिंग कर रहे हैं, क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है, या फिर आपको टाइम ज़्यादा लगता है लिखने में, वेदर योर राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड, आपका हैंड राइटिंग जो लिखते हैं जो हाथ से वो अफेक्टेड है क्या, इफ़ यस डू यू नीड कंपल्सरी टाइम इन द टाइम, यदि आपका हाथ अफेक्टेड है तभी आपको टाइम दिया जाएगा
एग्जामिनेशन में, मतलब कि ये सारा कुछ ये फिजिकली हैंडीकैप वाले लोग के लिए है। यदि उनका है तो तभी यस करें, यदि नहीं है आप यदि बिल्कुल ठीक है तो आप सारा में नो कर देंगे। यदि आपका कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप उसमें से यस करेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज डाइड इन 1984 राइट, 1984 के राइट में यदि आपके घर से किसी का डेथ हुआ था तो उसमें भी आपको यस करना है दोस्तों। रीजन ऑफ विच यू बिलोंग, तो फिर यहाँ पर आपको रिलीजन देना है दोस्तों। रिलीजन में आप एक मिनट दोस्तों, हाँ रिलीजन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा दोस्तों कि आप किस रिलीजन से हैं। यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या है रिलीजन में दोस्तों। रिलीजन में बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख एंड अदर्स, ये सारा कुछ है दोस्तों रिलीजन में। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा कि यदि आपका इसमें से नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया जाएगा कि कौन सा है आपका रिलीजन, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप यदि रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, या फिर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर आपको यस करना होगा, यदि नहीं है तो आपको नो करना होगा। यहाँ पे आप यदि डिजेबल है एक्स सर्विसमैन, आपका यदि कुछ आपको ये हो गया है एक्स सर्विस, आप एक्स सर्विसमैन हैं लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया है ये फिजिकली, तो आप यहाँ पे यस करेंगे या फिर नो करेंगे दोस्तों। और फिर पीरियड आपको यहाँ बताना होगा एक्स सर्विसमैन कितना आप पीरियड काम कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पर आपको ये सब कुछ देना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी मांगा गया है दोस्तों। यहाँ पर आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर फुल डिटेल देना होगा दोस्तों, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हाउ मेनी अटैम्प्ट आप कितने अटैम्प्ट लिए हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, CWE, RRB 1, RRB 2, RRB 3, तो ये सब कुछ पूछा जाएगा। एक्चुअली इस बार नहीं, आप इससे पहले अटैम्प में आप कौन सा में किए थे, क्या किए थे, वो यहाँ पर पूछा जा रहा है इनके द्वारा। अब बात कर लेते हैं नेशनलिटी, नेशनलिटी में यहाँ पर आपको इंडियन देना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद स्टेट यू वर अप्लाइड फॉर, यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो स्टेट आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, फिर सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं, फिर मेंस के लिए कहाँ सेंटर देना चाहते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे इनके द्वारा पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पर्सनल डिटेल की, तो पर्सनल डिटेल में आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, फिर जेंडर, फिर आपका शादी हो गया या फिर आप अनमैरिड हैं या डिवोर्स है, तो ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, फिर एड्रेस आपको पूछा जाएगा, यदि आपका कोरेस्पोंडेंस और प्रेजेंट एड्रेस एक जैसा ही, आपका आप जहाँ रह रहे वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो फिर आप यहाँ पर सेम कर देंगे दोस्तों। यदि आपका नहीं है वैसा तो आप सेम नहीं करेंगे, आपको दोनों देना होगा दोस्तों यहाँ पर। फिर उसके बाद बात कर ले एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर अभी मैंने ऊपर सेलेक्ट नहीं किया है OBC हूँ या फिर SC ST या फिर जनरल, तो इसलिए यहाँ पर अमाउंट नहीं दिखा रहा है, तो ये अमाउंट भी दिखाने लगे यदि मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो। फिर उसके बाद यहाँ पर एड्रेस को GST इनवॉइसिंग, आपको यहाँ पर भी एड्रेस देना होगा, एड्रेस कहाँ का आपका एड्रेस है, कौन सा स्टेट का कम्युनिकेशन एड्रेस पर आप GST कटवाना चाहते हैं या परमानेंट एड्रेस पर, तो ये सारा कुछ यहाँ पर आपको फिल करना होगा दोस्तों। फिल करने के बाद आपको वैलिडेट करना होगा डिटेल को, फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों आपका पर्सनल डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पर फिर क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा दोस्तों कि क्वालिफिकेशन आपका क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम पास ग्रेजुएशन आपका का कौन सा डिग्री से, कौन सा आपका ऑनर्स पेपर था उससे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किससे आप किए हैं बैचलर डिग्री। यहाँ पर फिर डेट ऑफ पासिंग पूछा गया, आपका पास हुए हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पूछा गया है और साथ में ग्रेड भी पूछा गया आपसे दोस्तों। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट यदि आप किए हैं तो उसका आपका किससे किए हैं यहाँ लिखना होगा, फिर उसका डेट जब आप कंप्लीट किए हैं कब, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका कितना आया और फिर क्लास आपका क्या था, ABC कौन सा ये, मतलब किस डिग्री में आप आए हैं, A ग्रेड आया आपको, B ग्रेड आया, कौन सा ग्रेड आया, ये बताना होगा। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यदि आप बीटेक
डिप्लोमा ये कुछ किए हैं आप बैचलर डिग्री के बाद, तो आप वो भी दे सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। उसका डेट ऑफ पासिंग देना होगा, फिर परसेंटेज देना होगा, फिर उसका ग्रेड देना होगा, या फिर आपका अदर कोई डिग्री जैसे कि डॉक्टरेट है आप, या फिर कोई हायर डिग्री आप किए हुए हैं बहुत ही हैवी डिग्री, तो फिर आप वो भी दे सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। अब बात कर ले कि यदि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं आपको, आपको यहाँ पर कंपलसरी है कि यस करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर IBPS में मांगा किया है कि हर कोई को कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी है दोस्तों हर पोस्ट में। तो फिर यहाँ पर आपको कंप्यूटर नॉलेज रखना होगा, फिर डिटेल देना होगा कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या किया है। तो यदि आप डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर में तो DTC आप देंगे, या फिर आप इसमें हायर क्वालिफिकेशन किए हैं, जो भी आप किए हैं कंप्यूटर में, यदि आपके पास है डिग्री कंप्यूटर का, कुछ भी कोर्स किए हैं आप बाहर से, आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लैंग्वेज जहाँ पर आप जो एरिया में आप काम करेंगे वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैंने जो एरिया दिया है वहाँ का लैंग्वेज है हिंदी, तो फिर आपको हिंदी आना चाहिए यहाँ पर, तो यस करना होगा दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि क्लास 8 में आपका वो सब्जेक्ट है कि नहीं, जो सब्जेक्ट का आप जो लैंग्वेज आप जहाँ पर काम करेंगे वहाँ का जो लैंग्वेज है वो आपका सब्जेक्ट में आप पढ़े हैं कि नहीं। तो फिर मेरा वो सब्जेक्ट भी था, हिंदी मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने यस कर दिया। यदि आपका नहीं था तो आप नो कर सकते हैं, लेकिन आपका ये यस होना अच्छा होगा दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी लगना चाहिए कि आप जानते हैं अच्छी तरह से दोस्तों लोकल लैंग्वेज को। तो फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस का। तो फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप यदि कहीं पर काम किए हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस जो आपको मिला है वो यहाँ पर आपको देना होगा, डेट ऑफ बर्थ सॉरी दोस्तों उसका डेट, कब से कब तक आप किए हैं, क्या ड्यूटी किए हैं, क्यों आप वहाँ पर ड्यूटी छोड़ रहे हैं, और फिर कितना साल का आप, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लैंग्वेज नोन, यहाँ पर आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, जैसे हिंदी तो आता ही होगा, फिर इंग्लिश आता होगा, और एक दो लैंग्वेज जो कि आपका लोकल लैंग्वेज होगा वो भी आपको आता होगा, लिखना पढ़ना सुनना तीनों आपको आना चाहिए वो तीनों लैंग्वेज। तो फिर दोस्तों एक लैंग्वेज आपको कंपलसरी है, एक लैंग्वेज आपको देना ही होगा, यदि आप तीनों नहीं दे रहे हैं तो कम से कम एक लैंग्वेज ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर यदि आप SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, PWD है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा कि आप यदि ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो प्री ट्रेनिंग करवाती है IBPS एग्जाम से पहले आपका ट्रेनिंग करवाती है, तो उसके लिए आप यदि है रेडी तो फिर आप यहाँ पर यस कर दीजिए, और सेंटर जो सेंटर पर आप करना चाहते हैं वो सेंटर पर जाके आप कर सकते हैं दोस्तों। अब ये सारा कुछ भरने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर वैलिडेट करना होगा, वैलिडेट योर डिटेल। अब वैलिडेट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आप कौन सा बैंक में काम करना चाहते हैं, नेम ऑफ बैंक, तो यहाँ पर है दो बैंक, तो फिर मैं दोनों में टिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सारा इंस्ट्रक्शन है, तो फिर ये कुछ नहीं है, आपको बस ये बोला जा रहा है कि आप कौन सा बैंक में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद आप इसको वैलिडेट कर देंगे, वैलिडेट योर डिटेल, यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली का आ गया है, तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेसेस दिखेगा दोस्तों, तो फिर यहाँ पर आप इस चीज़ को सब कुछ को आप देख लेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कंफर्म कर देंगे, आई कंफर्म दिस इज माई सिग्नेचर, और फिर ये यहाँ पर आप आई एग्री कर देंगे, फिर उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, और फिर यहाँ पर आप इसको भी कंफर्म कर देंगे कि आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटो। ये सारा कुछ कंफर्म करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे दोस्तों। अब फाइनल सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पर पूछा जाएगा IBPS ऑनलाइन की तरफ से कि आप इस चीज़ को श्योर हैं, कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं, या फिर एडिट आपका इस फाइनल सबमिशन के बाद नहीं होगा, आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है दोस्तों। अब यहाँ पर फाइनल सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन पूछा जाएगा, तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप दे दीजिएगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन ये, और फिर उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों,
मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके हैंड रिटन एप्लीकेशन जो डिक्लेरेशन होता है वो भी आप खोज सकते हैं गूगल पर, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो फिर दोस्तों यही है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो फिर यहाँ आपको देखिए किस तरह से लिखना आई, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा दोस्तों। हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये आपको लिख के देना होगा दोस्तों, अपने हैंडराइटिंग से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर आप इसको भी चिपका सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आप अपने हैंडराइटिंग से लिखें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको ये दोनों यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालेंगे, ये कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, पेमेंट का ऑप्शन आप कर देंगे डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग जिससे भी आप करना चाहते हैं उसे। पेमेंट करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फिलअप हो जाएगा दोस्तों।